हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो तुम्हारी में मर्जी क्यों लग रही है, मुझे इतना बता। कैसे हो हमारे दिलेरी भाइयों? इस वीडियो के अंदर दो ऑडियो हैं, दोनों में मैडमों से मजे लिए हैं, तो बस ऐसे ही आप लोगों को मजे लेने हैं। हंसत रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं। सर प्रॉपर की एमआईडी चल रही है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, आपका कैश वगैरह बताएंगे? आपको नाम बताऊं जी? आपको नाम? मेरा नाम क्या है? आपका नाम? दिव्या। दिव्या मैडम, पेमेंट हम कभी नहीं करेंगे। क्यों सर, क्यों कभी नहीं करेंगे? इंटेंस में नहीं। हाँ, इंटेंस में नहीं करेंगे। क्या कह रहे हो? इंटेंशनली नहीं करेंगे। क्यों इंटेंशनली नहीं करोगे ये बताओ आप? मैडम बस नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, अब इसमें क्यों? तो कोई तो रीजन होगा के लिए था क्या? नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। आए आए, क्या बोल दिया मैडम आपने, ये दिल ही खुश कर दिया मैडम, यही सोच के लिया। ये बोल के लिया था क्या आपने, नहीं करेंगे या दिल खुश कर दिया? मैडम बस इससे ज्यादा मत पूछो, क्या बुला के मानोगी? नहीं, यही बोल के लिया था क्या आपने? हाँ मैडम, यही बोल के लिया था। आपको कैसे पता? पेमेंट कराओ ठीक है सर, बकवास मत करो पहले तो। अरे मैडम बकवास कहाँ कर रहा हूँ, अभी तो कुछ बकवास नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बकवास कर रहे हो, अभी तो कुछ तुम कॉल करती थी। अच्छा, पेमेंट प्यार है, ये तो प्यार है मेरा आपके लिए। प्यार अपने घर में दिखाना, यहाँ पे मत दिखाओ। अरे आपके पास भी कुछ रख देता हूँ, प्यार मत दिखाओ, मेरे को मत दिखाओ, प्यार अपने घर पे रखो, पेमेंट कराओ, फिर घर पे आएंगे ना तो उनके लिए तो दिखाना, उनके लिए तो लक्ष्य पे तेल लगा के रख रखा जब पेमेंट जब लेने आए तब यही बोला था क्या आपने? हाँ मैडम यही बोला था। जब मन होगा, इंटेंशन होगा तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हाँ मैडम बोला तो यही था, बोला यही था, वो कह रहे थे चलो कोई नहीं रिकवरी में निकाल लेंगे। मैंने कहा निकाल लेते भाई। अच्छा ये बोला गया था, अगर ये बोलते ना तो आपको लोन मिलता भी नहीं। उस टाइम तो आप अच्छे बन गए थे, हाँ जी हाँ जी करके आप एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, ऐसे बात मत पूछो, पेमेंट कराओ। बात तो बता दो, अरे बता दो, तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हारे घर से तुम्हारा पल्लू चुरा लाया, लोन मैंने लिया बैंक से। बिल्डिंग तुम्हें काय को लग रही है? बिल्डिंग तुम्हें क्यों लग रही है? पल्लू अपने घर पे चुराना, पेमेंट कराओ। अरे बता दो, तो मैं तो उठा देता हूँ पल्लू घर पे, तुम चिंता मत लो। शुरू ये था, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? मिर्ची क्यों लग रही है? तुम इतना बता दो। ये नहीं पता, ये नहीं पता कि आपको रिकॉर्डेड लाइन में बात कर रहा हूं। माय गॉड, मैं डर गया मैडम। रिकॉर्डिंग को जो है टीएल के पिछवाड़े में डाल देना ले जाके, ठीक है? क्या कह रहे हो? अपने टीएल के पिछवाड़े में डाल देना इस रिकॉर्डिंग को ले जाके। तमीज में बात करो पहले, तमीज में। मैडम तमीज में कैसे बात करते हैं, मुझे सिखाओ पहले। तमीज में बात करो, तमीज में बात कैसे करते हैं मुझे सिखाओ, मुझे सिखाया नहीं क्या? नहीं सिखाया। पेमेंट करा दो ठीक है, बाद में तमीज सीखना। नहीं मैडम पहले सिखाओ। अरे पेमेंट कराओ ठीक है। मैडम पहले सिखाओ। मैडम आसान शब्दों में बता देता हूँ, बहुत मुझसे तुमसे तुम्हारा एजेंसी वाले भी पैसे नहीं निकाल पा रहा, तो कॉल डिस्कनेक्ट करो, टाइम बर्बाद मत करो अपना। मेरा तो टाइम पैसे निकाल ही लेंगे। हाँ निकाल लो, अगर तुम सब किसी ने भी तुम्हारी एजेंसी में मांगा तो निकाल लो। आपका जो है नहीं ना, घर पे आके भी ले लेंगे। मैडम ऐसा मत बोले करो, कुछ कुछ होता है दिल में। तो क्या बोलूँ आपसे, बोलो मन हो तो कर देना, नहीं तो मत करना। मैडम आप ये बोलो, यही बोलो मैडम, मन में जो है ना कभी कभार मैं भी एजेंसी में चला जाता हूँ। जाइए जहाँ जाना आपको, जाइए। आ जाऊँ आपकी एजेंसी में? ऊपर से लोन लेके बैठे हुए, ऊपर से बोल रहे हो। मैडम लोन लिया है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जब तुम्हारे घर से सोना चुरा लिया हो। कर्जा तो कर्जा लिया है ना, तो ये बोलने का अधिकार बैंक को है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो सोना चुरा लिया हो। कर्जा लिया है तो तुम भूल जाओगे क्या? मैडम बैंक और मेरा मैटर है, तुम इतना क्यों चल रही हो? तुम्हारी भी क्यों मर्जी लग रही है? तुम्हारी भी मर्जी क्यों लग रही है, मुझे इतना बता। अरे तुम्हारी में मर्जी काहे लग रही है, मुझे इतना तो बताओ। ऐसा है ना, थोड़ा तमीज से बात करो पहले तो ठीक है। तमीज रही भाड़ में, तुम्हारी में मर्जी क्यों लग रही है, मुझे इतना बता। कराओ ठीक है। अरे तुम्हारी में मर्जी क्यों लग रही है, मुझे इतना बता दो बस, मुझे ये जानना है। तुम्हारे में नहीं लग रही ना, तुम्हारे में नहीं लग रही। मेरे में तो मैडम मर्जी नहीं लग रही, कुछ और लग रहा है। पेमेंट करा दो ठीक है, बकवास बाद में। मैडम तुम्हारी में लाल मिर्ची काटती क्यों लग रही है? मैडम लाल मिर्ची कटी हुई क्यों लग रही है तुम्हारे में, तो बता दो। अपने घर पे लगाओ ये चीज़, अपने घर वालों में। मैडम दिख रही है मुझे, गर्म पड़ गई आपके मिर्ची के कारण। अपने घर में आप पीछे
देख लो आपकी वाइफ बैठी होगी उसको उसके बराबर में बैठता हूँ और उसका चेहरा पकड़ता हूँ, ऐसे में किस ले लेता हूँ। अच्छी बात है, पेमेंट करा दो, ठीक है। पेमेंट ऐसे ऐसे ले लोगे तुम पेमेंट बच्चों वाले कलेक्शन से? अच्छी बात है, बच्चों वाले कलेक्शन तो ले लोगे बच्चों वाले कलेक्शन से मुझसे पैसे? मैडम हाई लेवल का बनना चाहिए मुझे, अगर कलेक्शन करवाना है तो किसी अच्छे बंदे को दो। घर पे आके लेके जाएगा मैडम? घर पे क्या कर रहे हो? घर पे आ जाओ, लट्ठी पे तेल लगा के रखा है, कौन ले जाएगा? मैं देखूं कितना माँ का दूध ले जाओ। तो वही तो बोलूं, घर पे आके और ना आपको उसको जो है ना ऑथराइजेशन लेते हो इम्प्लीमेंट आईडी के साथ भेजना, वरना यहाँ से शायद सही सलामत ना जाए। जब लिया था लोन तब ये सब देखा था मैडम? ये प्रोसेस होते हैं, ये लीगल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। दिल में धक 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 धक, तो यहाँ से हड्डियाँ तोड़ के जाएगा, सबकी हड्डियाँ तोड़ के भेजूंगा यहाँ पे, भेज दो। जब पेमेंट, जब पैसे लेने तुम तो ऐसे कह रही हो मैडम जैसे तुम्हारा कुछ चुरा लिया हो। दिल तो नहीं चुरा लिया कहीं तुम्हारा मैंने? अरे चलो पेमेंट कराओ, ठीक है, बकवास बाद में। पेमेंट बता तो दिया अभी, क्या बता दिया? अभी तो बताया पेमेंट नहीं देंगे। अच्छा घर के पैसे आएंगे जो लेके बैठ गए हो? मैडम तुम्हारे भी तो नहीं है, इतने पीछे पड़ रही हो। मेरे ही है, मेरे ही पैसे। अच्छा तुम एजेंसी एजेंसी ओनर, वो सॉरी एजेंसी कह रहा हूँ, बैंक वाले ओनर की गोद में बैठी थी क्या? तुम बैठे थे कि जाके यार तुम्हारे घर वाले में बैठे थे? मैडम मुझे तो ऐसे ही दे दिया था, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है आप जाके बैठे थे इसलिए इतना पेमेंट ही नहीं करवा। मेरे मेरी गोद में तो खुद तुम्हारा बैंक ओनर बैठ गया था, आगे लो सर मेरे गोद में, पता है बैठ के कह रहे थे लो सर ले लो पैसे, ठीक है बाबू ले लेता हूँ। बता दो सही मैडम, तमीज क्या होती है? ये तमीज तमीज हर कोई कहता है, और कोई हर कोई मुझसे ये भी कहता है सर तमीज से बात करो। तमीज से बात आज तक कराई है तुम लोगों ने? बोल देते हो जब तमीज नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्यों बोलते हो तमीज से बात करो सर करो? तमीज से कैसे बात करूं? पेमेंट कराओ, ठीक है मैडम सही बता रहा हूँ अभी, बिल्कुल रियली अभी ये मेरा लेवल बना है, अभी तो मैं बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। अगर लेवल टू शुरू करा ना फिर बोलोगे सर क्या सर आपने लिमिट क्रॉस कर दी पूरी, बड़ा तमीज से बात कर रहा हूँ। मैडम तुम जैसी फुलझड़ियाँ रोज आती है, रोज जाती है जल जल के उससे, बोला पेमेंट करा दो, ठीक है पैसे तो आए नहीं, बकवास है वो, कितना कर रहे हैं। तो पैसे का क्या करोगे, शादी करोगी क्या उससे? शादी करोगी क्या तुम उससे? इतनी बड़ी बड़ी सही कर रहे हो, पैसे हैं आपके पास, शादी करोगी उससे से पैसे होंगे तो? ये बताओ ना पेमेंट देने की तो वो नहीं आपकी, क्या ऊपर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तो वही तो कह रहा हूँ जैसे मेरे पास पैसे हैं तो शादी करोगी उससे? पेमेंट तो दी नहीं जा रही आपकी है, पेमेंट दी नहीं जा रही, पेमेंट दी नहीं जा रही कर रही है, पता नहीं कैसे कैसे तुम्हें जो है ना तुम्हारे सीनियर्स ने ये शब्द सिखा दिए हैं, तुम वही बोल रहे हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। मैडम जैसे पेमेंट है मेरे पास, पेमेंट है, अच्छा उल्टा सीधा बोलना आता है लेकिन उल्टे सीधे सवाल का जवाब देना नहीं आता, तुम्हारे सीनियर ने ढंग से सिखाया ही नहीं है, तुम्हारे सीनियर आपको बहुत सिखाया है, आपको बहुत सिखाया है ना, मुझे सिखाने वाला सिखा के बैठ जाने। मैडम ये तो तुम्हारा, ये तुम्हारा और दुनिया वालों को पसंद है, दुनिया वाले बोलते थे ना कि माँ बाप ने सिखाया, माँ बाप कुछ नहीं सिखाते, माँ बाप कब तक सिखाते हैं मुझे बताओ? माँ बाप कब तक सिखाते हैं मुझे बता दो, चलो माँ बाप कब तक सिखाते हैं? 16 का सिखा दे उसके बाद बच्चा कुछ सीखता है पता है? ये तो तुम्हारे और दुनिया वालों का झोल है कि माँ बाप ने सिखा दिया, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सिखाया होगा तभी तो ऐसे बात कर रहे हो। अच्छा मैडम चलो छोड़ो, मैं फिर बोलूंगा फिर तुम कहोगी कि ये बोल दिया सर। क्या बोल दिया? अरे आपके लिए पता नहीं बोल ही नहीं रहे, एक बार दौड़ लेके आप तुम्हारे ऊपर कहाँ बैठा हूँ मैडम, ऊपर बैठता हूँ तुम्हारा तो दम निकल जाता। पेमेंट की बात चल रही है ठीक है, आप बकवास मत करो, मेंटली ओके मैडम, मेंटल नहीं साइको बोलो, साइको वो तो दिख ही रहा है, साइको बोलता है ना कोई अच्छा लगता है। और बताओ मैडम, वैसे मैडम आप जैसी ना, आप जैसी लड़कियां कम टकराती हैं जो इतनी देर तक चिपक जाती है, वरना मेरे चार सवाल के जवाब देता हूँ ना उनके तो भाग जाती है, चार जवाब सुनते ही मेरे आप चिपक रही हो। आप में बड़ी हिम्मत है, आदत है आपको इन चीजों की, आपने बहुत कस्टमरों को दिया होगा अपना इतना टाइम। अच्छा बहुत आपने गालियां सुनी होगी। हाँ भाई तो टाइम तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भेज रही है क्या मैडम? भेज दो, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, बहुत टाइम से मिला नहीं। बिल्कुल सर एग्जीक्यूटिव
विजिट करेंगे आपके घर पर। मैडम जब स्टैंडअप करवा देना एग्जीक्यूटिव को भी देख लेंगे डर रहे के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके घर पे एग्जीक्यूटिव विजिट करेंगे। फिर मैडम लग क्या वैसे सगल लग देखते तुम्हारी लग नहीं रहा, तुमने डीआरए करा हुआ ऐसे बिठा लिया ना एजेंसी वालों ने। अच्छा आपको ज्यादा पता है और आप कहाँ चले गए मैडम? ये केस नहीं था मेरे पास। हेलो हेलो मैडम मेरा केस आ गया आपके पास। हाँ जी ऋषिकेश मीरा बात कर रहे हैं। हाँ जी ऋषिकेश जी क्या इश्यू बोलिए आप मुझे? आपका 2 लाख का लोन चाहिए चाहिए मतलब लिया था आपने? लिया था। आप बोलो मैडम। सबसे पहले तो आप जो है ना जब भी कस्टमर से बात करो तो उसको ये बताओ किस चीज का लोन है, मल्टीपल डेब्ट भी हो सकते हैं ना। अच्छा सुनिए सुनिए ऋषिकेश आप ही का ही नाम है ना और ये नंबर आप ही का ही 07। आपने मनी क्यू से लोन लिया है? 5 लाख का लिया था आपने 4 जनवरी 2022 में लिया था ये लोन आपने। ठीक है और इसमें से मैं आपको बता दे तो आपकी 40 किस्तें बनी थी जिसमें कि आपने सिर्फ 40 पे करी है। एक किस्त आपकी 15,225 जाती है पर मंथ की किस्त आपकी ये है। बताइए आप क्या कर पूछ रहे थे, आपकी क्वेरी क्या थी? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अंजलि है। अंजलि जी, अंजलि जी क्या बताऊँ मैं आपको? हाँ, बताइए तो लो यहाँ ये तो शोर है ना कि लोन आप ही ने लिया है, आप पहले ये चीज करिएगा। हाँ जी ये तो शोर है लेकिन अंजलि जी आज कल ना मैंने मेरे को जो है नवाबी शौक चढ़े। क्या चाहिए? नवाबी शौक चढ़े आज कल मुझे, मैंने ना अपने घरों में सोने की ईंट लगवा ली। सोने की ईंटें लगवा ली ना आजकल, मैं सुना अगले साल सोना बढ़ जाएगा तो नवाबी शॉप चढ़ गए मुकेश अंबानी वाले। अच्छा अच्छा आपके ज्वेलरी की शॉप है? मैंने कब बोला, मैंने लगवा ली कहा आपसे? मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ मैं ये मैडम। मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे नवाबी शॉप चढ़ गए मुझे, मैंने सोने की ईंटें लगवा ली। अच्छा हाँ तो अब ये जो है ना इन्वेस्टमेंट कर दी सोने में, तो अगले साल जब पैसे बढ़ेंगे तो आपको देते हैं हम। अच्छा तो सर फिर एक काम करिए आपकी शायद ये हाफ ईएमआई भी आई है 6,608 रुपए की। अगर आप ये करवा अगले साल, अगले साल, अगले साल। क्यों अगले साल? अगले साल तो बहुत टाइम होगा, आपको भी पता है 2024 चल रहा है, ये आप 22 का लोन ले रखा और आप अभी भी कह रहे हो अगले साल से ही करूँगा। सीरियसली सर आप लोन आप मुझे ऐसे लग रहे हैं, आप मुझे ऐसे लग रही हो, आप ज्यादा सीरियस हो रही हो मुझसे ज्यादा। नहीं आप खुद देखो आप बोल क्या रहे हो, आपने 2022 में लोन लिया हुआ है और अभी आप कह रहे हो मुझे एक साल का टाइम दो। मैडम आपके 24-25 मतलब 4 साल आपके बोलने का बहुत अच्छा लगा मुझे, जरिए आपने कहा क्यों अगले साल, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे झटका दे रहे हो, एक साल का टाइम मांग रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता। आपकी आपके हाफ ए माई भी आई है सर, एटलीस्ट हाफ ए माई तो करो 7,000। अगले साल बात करके आप क्यों होगी, अगले साल क्यों होगी, कुछ रीजन तो दो मैडम। रीजन इंटेंशनली समझ दो ना, आप क्योंकि सोने में इन्वेस्ट कर दिया मैंने। क्या हो गया? इंटेंशनली समझ लो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया ना। तो क्या हो गया गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया तो कौन था? मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मुझे पूरी 3 EMI पे करके दे दो पूरी 28,000। नहीं मैं अगले साल सर ऐसा होता सर, ये तो कोई बात नहीं होती। नहीं मैडम हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ये गलत बात कर रहे हो आप। नहीं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है मैडम, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर। मैडम जा रही हूँ, ऑफकोर्स आप पेमेंट नहीं करते तो जाऊंगी। मैं पेमेंट करूंगा तो होगी। हाँ कितनी देर? या तो 15,000 रुपए कर दो या तो 7,000 रुपए। कितनी देर रुकोगी आप पेमेंट करने पर? क्या क्या कह रहे हो, कितनी देर रुकोगी पेमेंट करने पर? क्योंकि मेरे पास केस आलू वाले ही मंगा लेना मैंने। आलू वाले समोसा खाओगी क्या मैडम? हेलो हेलो हाँ मैडम हेलो क्या कह रहे हो आप? आलू वाले समोसे खाओगी या आलू वाले क्या खाओगी? आलू वाले क्यों मंगवा रहे हो क्या मैडम? आप बोल रहे हो ना आलू वाले मंगवा देना।
बिना आप मोटी हो जाओगी, आप मुझे लग रहा है ज्यादा तेल वाली चीजें खाओगी मोटी हो जाओगी। अच्छा बहुत अच्छी बात है, और कुछ आप मुझे पेमेंट का बताइए। नहीं आपने आपने बोला, आपने बोला कि जैसे मैं पेमेंट कराऊंगा तो आप रुकोगी, तो कितनी देर रुकोगी आप कॉल पर? तो मेरे पास केस होल्ड हो जाएगा ना आपका, फिर हर महीने आप ईएमआई करवाते रहना, मैं आपसे बात करूंगी हर महीने। आप मेरे ऐसे ही बोलना कि सर इतना टाइम क्यों, आपको बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ भी कह। अच्छा थैंक यू। आप पेमेंट कर रही है कि नहीं कर रहे आप मुझे बता दीजिए, मैं फिर आपको फीडबैक कर दूंगी। क्या नाम बताया था आपने अपना? हाँ क्या नाम बताया था आपने अपना? अंजलि। अंजलि जी, क्या नाम है अंजलि। अंजलि जी पेमेंट तो हम खैर नहीं करेंगे, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा, तभी आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। मैडम तेल की चीजें कम खाना, सच में मोटी हो जाऊंगी। ठीक है, आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।